मैं महाराष्ट्र वाहतूक सेना का शहर अध्यक्ष शेख अमजद। 10 तारीख को जो है तो पूरे ऑल भारत के अंदर जो है तो ड्राइवर का संप है। सब रिक्शे वालों से औरंगाबाद शहर के महाराष्ट्र वाहतूक सेना के तरफ से भी बंद है और पूरी संगठन के तरफ से भी बंद है। सब रिक्शे वालों से गुजारिश है भाई कि 10 तारीख के दिन कोई भी गाड़ी ना निकाले। जो गाड़ी निकालेगा उसका जिम्मेदार वो खुद रहेगा। ये पुलिस परमिशन के साथ जो है तो हमारी बंद का जो है तो हमने ये निर्णय लिया है और पूरे भारत के अंदर बंद है। बंद इसलिए कि जो मोदी सरकार ने काला कानून लगाया ड्राइवर के ऊपर, 10 लाख रुपए फाइन और 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए फाइन, तो ये रिक्शे वाला कहाँ से भरेगा? तो इसके लिए पूरे भारत के अंदर जो है तो 10 तारीख के दिन, 9 तारीख के दिन रात में 12 बजे से पूरा चक्का जाम आंदोलन शुरू होने वाला है। 10 तारीख के दिन सुबह पूरी गाड़ियां बंद रहेंगी। अब ये कब तक बंद रहेंगी? जब तक ऊपर से निर्णय नहीं आता जब तक बंद रहेंगी। इसके अंदर पेट्रोल के टैंकर हर चीज बंद रहेंगे। अब अपन बोलेंगे भाई गाड़ी निकालेंगे तो उसका जिम्मेदार वो खुद ड्राइवर रहेगा। जो भी गाड़ी की तोड़ फोड़ होगी उसका जिम्मेदार वो खुद ड्राइवर रहेगा। ये पूरे भारत के अंदर जो है तो चक्का जाम आंदोलन 10 तारीख को सुबह 5 बजे से चालू होने वाला है। ये बाता दो बाता बोल के जो है तो ड्राइवर का मैं जो है तो आह्वान देना चाहता हूँ महाराष्ट्र वाहतूक सेना की तरफ से। हमारे जिला अध्यक्ष सलीम भाई खामगाव को और ऐसे 17 संगठन जो है तो मिलकर औरंगाबाद के अंदर काम कर रही है, सब संगठन का जो है तो बंद है। तो मैं सब ड्राइवर को एक घोषणा और चेतावनी देना चाहता हूँ कि 10 तारीख के दिन मेहरबानी करके जो है तो कोई भी गाड़ी ना निकाले। जो भी गाड़ी निकालेंगे उसका जिम्मेदार वो खुद रहेगा। सब लोग रोड पे रहने वाले, इसका जो है तो आंदोलन का 11 बजे जो है तो स्टेशन पे जो है तो निश्चित होगा। उसके बाद टी पॉइंट है, बस स्टैंड है, हर जगह रास्ता रोको आंदोलन होगा। ये बोल के जो है तो दो बातें मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रावर एकता, रावर एकता, रावर एकता, रावर एकता, काला कानून, काला कानून, काला कानून, बंद करो।